आज का जो घर का भी व्लॉग है तो वो मैं करूँगा कुछ मोटो व्लॉगिंग वे में, इसलिए मैंने पहन रखा है ये हेलमेट। तो काफ़ी हद तक जो इंट्रो है हम लोगों का ऑलरेडी बन चुका है। What's up everyone and welcome back to my channel Wicket Rider। तो आज हम लोग कुछ करने वाले हैं न्यू एनहेंसमेंट अपना। जहाँ तक मैंने जो डिज़ाइन सोचा था और जिस तरीके से मैंने प्लान किया था कि मेरे को किस हिसाब से चैनल इंट्रो चाहिए और जैसा भी उसका जो एनिमेशंस रहेगा एंड इफेक्ट्स रहेगा वो सारी चीज़ें मैंने डिसाइड करके रखी थी, तो काफ़ी हद तक वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है और मैंने उसको मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स में और मल्टीपल वीडियोस बना के उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है और काफ़ी अमेजिंग बना है। आई होप आपको पसंद आएगा। और आप अगर देख रहे होंगे मेरा ये सेटअप, तो मैंने कुछ सोचा कि एक नया चीज़ ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैं मोटो ब्लॉगिंग चैनल पे हूँ, तो हम लोग आज ऐसे ही बनाएंगे वीडियो जो भी है और आने वाले ब्लॉग्स में भी मैं ट्राई करूँगा कुछ यूनिक करने का। अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने एनहेंसमेंट किया है, कैसे डिज़ाइन किया है। तो आपको अगर मैं दिखा दूँ तो ये है मेरा जो मेन इंट्रो चैनल का रहेगा, तो इसको बनाने के लिए मैंने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा टूल है और एडोब के मैंने जैसे कि प्रीमियर प्रो भी यूज़ करता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा टूल है। और अगर आपको दिखाऊंगा तो मैंने तीन फाइल्स में इसको अलग अलग इफेक्ट्स के साथ डाला है। तो एक है मेरा इस तरीका का जिसमें कि ग्लिच है बैकग्राउंड में और जो लोगो है उसका एनिमेशन ये है, और एक और जो रहेगा वो लोगो में ग्लिच रहेगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, यूनिक है। और देन जो मेरा फेवरेट है अभी जो करंट है वो भी फ्लेम्स पे है, और ये वाला जो है ये भी मैंने फ्लेम्स पे बनाया है, तो थोड़ा सा यूनिक लगा, कुछ फ्लैश इफेक्ट्स डाला है, तो ओवरऑल जो देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको बनाने के लिए मैंने आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया है। तो आफ्टर इफेक्ट्स अगर खोलेंगे तो ये है मेरा प्रोजेक्ट, और इसमें अगर आप देखोगे कि ये मेरा बैकग्राउंड है, MP4 फाइल्स हैं, एक ग्लिच का है, और इस तरीके से मेरा एक अलग ग्लिच इफेक्ट है और एक फ्लेम्स का है। तो मैंने जो किया है ये बैकग्राउंड लिया है, बैकग्राउंड है प्लेन ब्लैक और उसके ऊपर एक MP4 फाइल। अगर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ और इसको हाइड करता हूँ तो आप देखोगे पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। तो जो ये है ये बैकग्राउंड में जो ग्लिच इफेक्ट चल रहा है वो उसका है, और लोगो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके ऊपर है प्री कम्पोज, दो प्री कम्पोज हैं जो कि लिंक करते हैं मेरे बाकी सारे लेयर्स को जो भी लोगो बनाया है जिस हिसाब से, और वो सेम इफेक्ट अप्लाई करते हैं जो बाकी सारी लेयर्स हैं मेरी, तो उसको लिंक करना पड़ता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास है एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अगर इस पर क्लिक करके दिखाऊंगा तो मैंने इफेक्ट्स डाले हैं इस लेयर पे। तो जो ओवरऑल जो है वो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो आगे आने वाले ब्लॉग्स हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आए, और जो मैंने GoPro का माइक अडेप्टर अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था मेरे को मिल चुका है, तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में मेरा जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और रही बात एडिटिंग की, मैं और चीज़ें लर्न कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपने व्लॉग्स को और जो कलर ग्रेडिंग करके जो अच्छा बनाते हैं वो बना सकूँ, जिससे आपको मोटो व्लॉगिंग देखने में कुछ मज़ा आए। तो मैंने जनरली यूट्यूब पे देखा है मोटो व्लॉगिंग में ज़्यादा एडिटिंग लोग नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ, कुछ ड्रोन शॉट्स ऐड करके उस चीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोगों को मिलता है टाइम कम। अब लेट्स से अगर मैंने कोई व्लॉग बनाया है तो उसमें मेरे को
मैक्सिमम है 12 मिनट्स, उससे ज़्यादा होता है तो लोग बोर होने लग जाएंगे, तो उसको शॉर्टेस्ट वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें कितना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं वो मैटर करता है, और क्या क्या कितना चीज़ें दिखा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास आधा आधा घंटा का है, एक एक घंटा का है, बट उसको क्लिप करके इतना ज़्यादा शॉर्ट में करना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं बट नहीं डाल पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मगजमारी करना पड़ता है। और काफ़ी क्लिप करने के बाद भी अभी तो ऐसा हो रखा है कि जो वीकेंड राइड होती है, वीकेंड राइड पे आपको पता ही है मैं काफ़ी सारी वीकेंड राइड्स पे जाता हूँ, तो जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें आपको दिखेंगे ये न्यू इफेक्ट्स। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ थोड़ा सा मेरा यूट्यूब का एंड स्क्रीन और आउट्रो भी, क्योंकि आउट्रो मेरे पास नहीं है, आउट्रो मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा था कुछ अच्छा सा बनाने का, और छोटा सा सेगमेंट और 2-3 सेकंड का रहेगा जिसमें मैं कुछ टेक्स्ट एनिमेशन में सोच रहा हूँ, कुछ टाइटल्स एनिमेशन में सोच रहा हूँ जिसमें लिखूंगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो उस तरीके का कुछ ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे बनाना है, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है तो यूट्यूब से मैं ट्यूटोरियल देख देख के बनाता हूँ। तो काफ़ी हद तक अच्छा बन गया है जो भी है इंट्रो वाला पार्ट, और आगे भी आने वाले टाइम में भी इंट्रो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।